बीएसएफ के वो जवान हैं जो कई दिनों से मुस्तैद हैं, तैनात हैं, कोई भी माहौल ना बिगड़े, इनको जितना भी थैंक्स करें वो धन्यवाद हम लोग, पारसराम जी हैं, इनकी पूरी टीम यहाँ पर है, उनका धन्यवाद हम लोग करते हैं। पूरे शहर में अगर माहौल बना है तो बीएसएफ की जो टुकड़ी है, साथ ही पुलिस के जवान भी यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आए। बीएसएफ बॉर्डर पर तो खड़ी रहती है, साथ साथ ये शहर में भी शांति प्रिय बनाए रखने के लिए अपने आप में जानी जाती है। झज्जर की विधायिका गीता बुक्कल फिर से जीत गई है और इनका विजय जुलूस हम आपको दिखाते हैं। चौथी बार ये झज्जर से विधायक बने हैं और कांग्रेस की विधायक रही हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन्हें टिकट दी थी तो आश्वस्त था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की झोली में ये सीट तो जाने वाली है। और झज्जर की चारों सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस के उसमें पारी में गई है हम जानते हैं, और देखते हैं गीता बुक्कल का जो विजय जुलूस है हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा पीछे बोले, झज्जर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इस बेटी को आशीर्वाद देकर हरियाणा की विधानसभा में भिजाने का काम किया। चौथी बार विधानसभा जाने का मौका मिला। मैं आश्वासन देती हूं उनके मान सम्मान में हमेशा बढ़ोतरी करूंगी, मान सम्मान की पगड़ी में आंच नहीं आने दूंगी। झज्जर विधानसभा की पूरी जनता की बहुत ज़्यादा सेवा करने का मैं काम करूँगी। देखिए आप, आने वाला समय कांग्रेस का है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जिस तरह से झज्जर में सफाया हुआ है बीजेपी का और चारों तरफ कांग्रेस पार्टी आई है, लोग आज कांग्रेस को याद कर रहे हैं, आने वाला समय कांग्रेस का होगा। सभी मंत्री, मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, सभी मंत्री, मंत्रियों को उनके घमंड ने हरा दिया। मुख्यमंत्री होंगे। कैमरामैन नीरज के साथ रमाकांत की रिपोर्ट, हर न्यूज़ 24।